नमस्कार किसान भाइयों, फिर से आपके लिए आज का ताजा सरसों का मंडी भाव लेके आ गया हूँ। फिर से दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के प्रमुख सरसों मंडी का भाव। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी सरसों रिलेटेड वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले जानकारी पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं सबसे पहले जयपुर में 42% सरसों का रेट रहा है 7,600 रुपये क्विंटल। बात करेंगे नोहर कि सरसों मंडी के, तो यहाँ पे आज सरसों का भाव रहा है 6,200 रुपये क्विंटल से 6,720 रुपये क्विंटल तक। बात करेंगे श्री गंगानगर अनाज मंडी की, यहाँ पे आज सरसों का रेट रहा है 6,701 रुपये क्विंटल से 7,208 रुपये क्विंटल तक। बात करेंगे साधु सर सरसों प्राइस की, तो यहाँ पे आज सरसों का भाव रहा है 6,801 रुपये क्विंटल से 6,938 रुपये क्विंटल तक। बात करेंगे रायसिंह नगर अनाज मंडी की, तो यहाँ पे सरसों का भाव रहा है 6,607 रुपये क्विंटल से 7,026 रुपये क्विंटल तक। बात करेंगे दोस्तों मेड़ता सरसों मंडी की, तो यहाँ पे सरसों का भाव रहा है 6,300 रुपये क्विंटल से 6,571 रुपये क्विंटल तक। बात करेंगे दोस्तों प्रतापगढ़ सरसों रेट का, तो सरसों का भाव रहा 5,508 रुपये क्विंटल से 6,590 रुपये क्विंटल तक। बात करेंगे दोस्तों रामगंज मंडी की, सरसों का भाव रहा है 6,000 रुपये क्विंटल से 6,650 रुपये क्विंटल तक। बात करेंगे इलाहाबाद सरसों मंडी की, यहाँ पे सरसों का भाव रहा है 6,400 रुपये क्विंटल से 6,780 रुपये क्विंटल तक। बात करेंगे मंडी आदमपुर की, सरसों का भाव रहा है 6,811 रुपये क्विंटल। बात करेंगे शिवानी मंडी की, तो यहाँ पे सरसों का भाव रहा है 6,850 रुपये क्विंटल। बात करेंगे बरवाला सरसों मंडी की, तो सरसों का भाव रहा है 6,850 रुपये क्विंटल से 6,900 रुपये क्विंटल तक। बात करेंगे हिसार सरसों मंडी की, सरसों का भाव रहा है 6,900 रुपये क्विंटल। बात करेंगे चरखी दादरी मंडी सरसों की, यहाँ पर भाव रहा है 6,800 रुपये क्विंटल से 7,000 रुपये क्विंटल तक। बात करेंगे कानपुर मंडी की, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर दोस्तों आज सरसों का भाव रहा है 7,050 रुपये क्विंटल। ये रहा दोस्तों आज हमारे भारत देश के प्रमुख सरसों मंडी का भाव। दोस्तों सरसों में मोटा मोटी 7,000 का भाव सभी मंडी में अप्रोक्स चल रही है दोस्तों। खाली सलोनी प्लांट में ज़्यादा भाव है भी, परंतु दोस्तों बहुत जल्द नई सरसों आने के बाद शायद सरसों का भाव बढ़ सकता है। दोस्तों अभी मंडी वाले जानबूझकर सरसों का भाव कम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कम करने से अभी भी अगर जितना भी सरसों किसान लोग पद बचा है सारा वो डर में आके बेच देंगे, ऐसा मंडी वाले कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अभी नाम मात्र ही सरसों बच गया है, 5 या 7% ही दोस्तों सरसों मात्र बचा है। कुछ ही किसान भाइयों के पास अभी भी शायद हमें लगता है कि सरसों बचा होगा। अगर सरसों बचा होगा तब सरसों को बेचना शुरू कर दे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नई सरसों आने के बाद जब आवक बढ़ेगी तो सरसों का भाव घटने का 100% उम्मीद है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी भी आपके पास सरसों बचा था, अगर आप कमेंट करके बताएं कि आपके पास अभी कितना सरसों उपलब्ध है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।